हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पर हम देखेंगे ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम से नए और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बस एक लाइक और एक शेयर के माध्यम से आप लोग अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे देखिए, एक बार जल्दी से देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है कहां पर? मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, यहां पे पूरे आपको 77 क्वेश्चन मिलेंगे। 77 क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड, थोड़े से इजी से स्टार्ट होकर के स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन तक चलेंगे, थोड़े से कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, नई दिल्ली। और यहाँ दूसरा है, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को बताते हैं साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा नोटिफिकेशन मिलने के लिए। नेक्स्ट है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? विकल्प आप सभी के सामने है, आपको हम 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन सही होता है डी, जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र इधर लिखा है, फिर इधर राज्य है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में इधर सिमलीपाल, नौकरेक, अगस्त्य मलाई, कंचनजंगा है, फिर राज्य में ओडिशा, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सुमेलित है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, कंचनजंगा, हिमाचल प्रदेश। आप लोगों से मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कंचनजंगा कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कई बार हम बता चुके हैं, अगर आप लोग हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो। नेक्स्ट है, पांच मौसमों का बाग स्थित है। पांच मौसमों का बाग कहां पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, मेहरौली के पास। मेहरौली के समीप पांच मौसमों का बाग स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, कहां कहां पे पाया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा कोर्ट से सही उत्तर ज्ञात करें। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है, ये जो चार विकल्प में कथन दिए गए उसे पढ़ना है। सिमलीपाल राष्ट्रीय, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए ये चारों ऑप्शन। फिर उसके बाद यहाँ पे कोर्ट है, वहां से आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा सही होता है ए, एक व दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? निम्नलिखित में से यानी कि चारों विकल्प में से कहां पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या ज्यादा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। तो यहां भी हमारा ऑप्शन सही होता है ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, आपको पूरे 77 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यहाँ पे 77 क्वेश्चन में आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर करके बताइएगा। और जो भी हम आज के सवाल में क्वेश्चन पूछेंगे आप उसकी रिप्लाई भी जरूर कीजिएगा और साथ साथ में लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होता है बी, राजस्थान। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन हमारा सही होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, मीथेन, CH4। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तीन, यहाँ पे चार विकल्प है, आपको चारों में से चूज करना है कि किसमें नहीं पाए गए हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है सी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन, सौर सेल। ऑप्शन हमारा सही होता है सौर सेल, जहां पे प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट है, नीचे चार ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए, इनमें से किसी एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है? एथेनॉल के लिए की जा सकती है जिट्रोफा, मक्का, पोंगामिया, सूरजमुखी। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, मक्का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूस्मी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा। तो आप सभी को पता है ऑप्शन हमारा सही हो गया यहाँ पे बी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? जल विद्युत, ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? विकल्प आप सभी के सामने, थोड़े से बड़े विकल्प हैं, तो आप लोग आराम से देखते जाइए, फिर विकल्प चूज कीजिएगा और फिर उसके बाद रिप्लाई कीजिएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ऊर्जा संकट का मतलब क्या है? ऊर्जा संकट की परिभाषा से ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े होंगे तो सारे क्वेश्चन आपको कठिन बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है ए, 16 सितंबर को। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? कौन से माह में अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा सी, सितंबर तथा अक्टूबर में। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जा सकता है किसके द्वारा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सीएफसी, जलवाष्प द्वारा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, सीएफसी द्वारा, सीएफसी, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती वह है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ऑप्शन हमारा सही होता है कौन सा? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट चलते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत क्या काम करती है? वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है? विकल्प आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सी, पृथ्वी पर परावैनिक किरणों से जीवन की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन पर आने से रोकती है, ठीक है, ओजोन लेयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस परत के अक्षय के लिए उत्तरदायी है? परत यानी कि ओजोन परत के लिए के अक्षय के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है क्या होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होगा बी, उत्पादक होते हैं। उत्पादक क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये उत्पादक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये भोजन को उत्पादित करते हैं, भोजन को बनाते हैं और दूसरे जीवधारी इसे यहां से लेकर के खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द देने वाले थे कौन था? ई हैकल, मिश्रा, ओम रिटर। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, ई हैकल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है?
ताप क्रम परिवर्तन, पवन, सूर्य प्रकाश या धूप की दशाएं, जल की प्राप्यता। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, पवन। नेक्स्ट है, पारितंत्र में मानव है क्या है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? एक पारितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शन। ऑप्शन हमारा सही होगा यहां पे जीवी तथा अजीवी घटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्या? महत्वपूर्ण होता है फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सौरिक विकिरण। ऑप्शन सही होता है सी, सौरिक विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता हो तो मोर क्या होगा? प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, यदि मोर सर्प को खाता तो मोर होगा, क्या होगा मोर? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, लोहा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समस्त पृथ्वी में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है, अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और आपके यूपीटेट 2019 के लिए यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, कृत्रिम पारितंत्र। नेक्स्ट है, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, क्या होते हैं? मानव व सभी जंतु क्या होते हैं? बी, उपभोक्ता होते हैं। ये उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, पेड़ पौधों पर ये निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, चार। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? ऑप्शन हमारा यहां पे कौन सा सही होगा? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिक्लोफेनाक, सोडियम पेनिसिलिन। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, डिक्लोफेनाक सोडियम। नेक्स्ट, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? विकल्प के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। ऑप्शन हमारा यहां पे सही होगा ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है इकुलिप्टस, सिकोया, देवदार। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, सिकोया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है?
ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? व्यापक निच, जो कर्मता है वो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? बीजिंग में, कोपेनहेगन में, नगोया में, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, नगोया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सी अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? बी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, बंजर भूमि का वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? इनसीटू, एक्सीटू। तो एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी अवस्थित है कहां पे? फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, नमी भूमि के संरक्षण से संबंधित था रामसर सम्मेलन। नेक्स्ट है, भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, चेन्नई। नेक्स्ट है, निम्न देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? विकल्प आप लोग पढ़िए, ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से। जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से संबंधित है ट्रैफिक संगठन। नेक्स्ट है, विश्व मुख्यालय कहां पर है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? एक मिनट, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, जिनेवा में। यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, नैरोबी में। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
ऑप्शन हमारा सही होता है ए जेनेवा में। नेक्स्ट है कल्प वृक्ष किस प्रकार का संगठन है, कल्प वृक्ष किस प्रकार का संगठन है, ऑप्शन हमारा सही होता बी गैर सरकारी। आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्यावरण में, वो हम आप लोगों को नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, हमारे खुद के नोट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। पर्यावरण पूरा हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हो सारे क्वेश्चन कवर करवाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है, आप लोग मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, ऑप्शन हमारा सही होता है बी पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने यहाँ पे करंट और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार वो हमने लिए हैं यहाँ पे, इन सारे क्वेश्चन की यही खासियत है कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन हमारा सही होता है सी दंपा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसको विश्व बैंक यूनेस्को सभी, ऑप्शन हमारा सही होता है डी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन हमारा सही होता है बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, ऑक्सीजन से ज्यादा जिसकी मिलने की क्षमता हो, जुड़ने की क्षमता हो, कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए हानिकारक होती है, ये हीमोग्लोबिन से जल्दी से जुड़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, कौन सी गैस है धरती पर जो हानिकारक और लाभदायक दोनों है, ऑप्शन हमारा सही होता है डी कार्बन डाइऑक्साइड। जैव विघटित प्रदूषक है, जैव विघटित प्रदूषक कौन सा है, जीवों के द्वारा जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, ऑप्शन हमारा सही होता है यहां पे वी वाहित मल। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना किनके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है, ध्यान से इसे पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, ऑप्शन हमारा सही होता है ए। नेक्स्ट है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, ऑप्शन हमारा सही होता है कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ बेंजीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन हमारा सही होता है
सी सल्फर डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा सही होता है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग हैं उतने लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो विकल्प आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन हमारा सही होता है डी, यहाँ पे देखिए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? सीएफसी, यहाँ पे देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? अम्लीय वर्षा, ऑप्शन हमारा सही होता है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा होती है कारखानों में पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। ऑप्शन हमारा सही होता है कारखानों से। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है जलाने से, यानी कि किसके जलाने से? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, कोल पत्थर के कोयले को। नेक्स्ट है, जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? निम्नलिखित में से कौन सी निम्नीकरणी है, यानी कि जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए सूक्ष्म जीवों के द्वारा? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारामर्करी, रबर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है डी, रबर। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जब हुआ था तो ये घटना कब हुई थी? ऑप्शन हमारा सही होता है 3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है किसमें? जलीय वातावरण में, मृदा में, आप सभी जान रहे हैं ये जलीय वातावरण का है। ऑप्शन हमारा सही होता है ए। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे आवश्यक धातु प्रदूषक है कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, लेड। नेक्स्ट है, यूरो द्वितीय मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है ए, 0.05% या इससे कम। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन हमारा सही होता है यहां पे बी, दामोदर। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है लग रहा है, यूरो द्वितीय मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन हमारा सही हो गया यहां पे ए, 0.05% या इससे कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? भारत के एक मिनट, पिछला कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, नेक्स्ट है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? दिल्ली सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वर्षा। आप लोग थक गए हैं क्या? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट लागू किया गया कब? 1977 में। ऑप्शन हमारा सही होता है सी, 1977 में। नेक्स्ट है, पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है कहां पे? चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में, मुंबई में। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे सी, कोलकाता में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया क्लीन गंगा, सेक्रेड गंगा, द ग्रेट गंगा, नमामि गंगे। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, नमामि गंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए निम्न क्या मतलब स्थापित किया, इसका जो नाम है क्या स्थापित किया? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होता है सी, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। यहां पे होते हैं आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट। आज के पूरे 77 क्वेश्चन थे, पूरे कितने क्वेश्चन थे? 77 क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट होते। आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं? आप लोग अपनी स्कोरिंग जरूर बताइएगा, चीटिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो विकल्प आप सभी को कमेंट सेक्शन में जल्दी से रिप्लाई करना है, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, लोहा, एल्युमिनियम। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और हिम्मत नहीं हारना है, फिर से उसी जोश और जुनून के साथ जुड़ना है, किसी भी न्यूज़ पे, इधर उधर की न्यूज़ पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, फुल फोकस्ड आप लोग अपने स्टडी पे होइए, एक लक्ष्य पे हो जाइए। जो ऑफिशियल न्यूज आती है बस उसी पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑफिशियल न्यूज आती है हम आप सभी को अपडेट जरूर कराएंगे। डेट अभी फिक्स नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, बस इतने पे ध्यान रखिए। अभी कोई डेट नहीं आई, ये डेट वो कभी ऑफिशियल आई ही नहीं कोई न्यूज, तो बस ऑफिशियल न्यूज पे फोकस कीजिए। कोई भी न्यूज आती है न्यूज़पेपर में आपकी पब्लिश होगी, ठीक? तो परेशान नहीं होना, बस हिम्मत नहीं हारना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, इस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अप्लाई कीजिएगा किस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं। 70 प्लस फर्स्ट कैटेगरी, 60 प्लस सेकंड और 50 प्लस थर्ड कैटेगरी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस टेस्ट को सॉल्व करके आप लोग अपनी स्कोरिंग बताएं, जिससे कि हम आगे की क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और जाते जाते आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।